व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, हम ये फुल स्लीव कार्डिगन बना रहे हैं। तो हमने इसके सारे पार्ट्स और इसकी स्लीव्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसे फाइनल लुक देंगे। तो ये थोड़ा सा अभी इनकम्प्लीट है। हमने इसे सभी बना लिया है, सभी पार्ट्स को। तो अगर आप उन पार्ट्स को सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप देख सकती हैं। तो आज हम इसे बनाएंगे और मैं इसे बनाकर इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो उससे पहले हम जो इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया है उसे बनाएंगे। तो देखिए, हमने इसकी ये आगे की दोनों साइड बना ली हैं और पीछे की साइड भी इसकी बन चुकी है। अब हम इसे यहाँ से शोल्डर से ज्वाइन करेंगे, दोनों साइड में इसे शोल्डर से ज्वाइन कर देंगे। और इसकी जो बटन पट्टी है, ये देखिए, इसकी बटन पट्टी है, इसके फंदे हम रखेंगे तो उसे हम पीछे की साइड में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर इस कार्डिगन में मैंने पीछे की साइड में कोई भी डिक्रीजिंग नहीं की है। अगर चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो भी ये इस तरह से भी परफेक्ट बन जाएगा। अगर आप इसकी पीछे की कटिंग देखना चाहते हैं तो मैंने और अपने कई जो वीडियो हमने बनाए हैं फुल कार्डिगन वगैरह के, उसमें मैंने बताई हुई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम इसे बनाते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये इसका बैक पार्ट ले लिया है और ये इसके दोनों फ्रंट पार्ट हैं। इसको हम इसके ऊपर ज्वाइन करेंगे। तो ये इसका सीधा पार्ट है बैक पार्ट का। तो जो इसके ये हैं आगे की साइड के पार्ट हैं, इसको इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये वाला पार्ट इस साइड में आएगा और ये वाला पार्ट जो है वो इस साइड में आएगा। इसको दोनों साइड जो सीधी हैं वो हम एक साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो पहले हम इस पार्ट को इसके बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये इसका सीधा पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो दोनों पार्ट हम ज्वाइन कर देंगे और इसकी जो बटन पट्टी है उसे हमने ज्वाइन नहीं करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से ये दोनों हिस्से इसके ले लेंगे, आगे और पीछे का पार्ट ले लेंगे। और इसको हम चाहे आप सीधे बुनते हुए इसे ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप इसे उल्टा बुनते हुए ज्वाइन कर लीजिए। तो हम इसे उल्टा बुनते हुए ज्वाइन करेंगे दो फंदों का। ये देखिए, एक फंदा बना देंगे, फिर से यहाँ पर एक फंदा हो गया, फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब इस फंदे को, पीछे वाले फंदे को आगे के फंदे के ऊपर से ये देखिए ड्रॉप करेंगे, फिर से दो फंदों का ये देखिए अंदर की साइड से इसे उठाएंगे, इसे बाहर की साइड से उठाते हुए दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और पीछे के फंदे के ऊपर से ड्रॉप करेंगे। तो आपने ज़्यादा टाइट हाथ से इसे बाइंड ऑफ नहीं करना है। तो देखिए, ये देखिए, पीछे वाला जो फंदा है इसे अंदर की साइड से लेंगे और ये आगे वाले पल्लू को जो फंदा है उसको आगे की साइड से लेंगे इस तरह से। हम इसे ऊपर से स्लिप कर देंगे, फिर से एक पीछे का फंदा, एक आगे का फंदा, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे पहले, फिर इसको ऊपर से स्लिप कर देंगे, फिर से एक पीछे वाला फंदा, एक आगे वाला, दो फंदों का एक फंदा बना देंगे और पीछे वाले फंदे को ऊपर से ड्रॉप करेंगे। तो इसी तरह से ये सारे फंदे हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। इसे ऊपर से स्लिप कर देंगे। हमारे पास ये एक फंदा रह गया है, इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास 12 फंदों की बटन पट्टी है। देखिए, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इस फंदे को इस नीडल पर शिफ्ट करेंगे और ये वाला एक फंदा जो बटन पट्टी का है इसको ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 12 फंदे बटन पट्टी के रह गए हैं। तो अब हम ये देखिए, यहाँ से ये बटन पट्टी जो है वो बनाएंगे। तो पहले हमने क्या करना है, अब हम इस साइड के, ये देखिए, ये इसकी एक साइड हमने ज्वाइन कर ली है
ये वाली एक शोल्डर ज्वाइन हो गया है। अब हम दूसरी साइड का इसका शोल्डर जो है वो भी ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, इसे लेंगे, यहाँ पर रखेंगे और ये नीडल हम इस साइड में कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसके 22 फंदे हैं शोल्डर के, तो 12 फंदे जो हैं वो बटन पट्टी के हैं, 22 फंदे शोल्डर के हैं। तो शोल्डर के फंदे हम सारे इसके साथ यहाँ तक बाइंड ऑफ कर देते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस साइड के भी फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं और यहाँ पर हमारे पास 12 फंदे बटन पट्टी के रह गए हैं। ये देखिए, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब हमने क्या करना है, ये वाले जो पीछे के सारे फंदे हैं इनको भी बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ से ये वाला फंदा जो है, ये वाला फंदा, इसे लेंगे और हम सभी फंदे इस तरह से सीधा बुनते हुए इसको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। फिर हम इसके साथ जो बटन पट्टी है वो ज्वाइन करेंगे, इसलिए हम इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। इसको आपने ज्यादा लूज हाथ से बाइंड ऑफ नहीं करना है और ना ही ज्यादा टाइट के साथ बाइंड ऑफ करना है। ये देखिए, इस तरह से ये सारे फंदे एंड तक बाइंड ऑफ कर देंगे। ये देखिए, हमने इसकी ये बैक साइड के सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब हम ये इसकी बटन पट्टी बनाएंगे दोनों साइड की। इसको हमने यहाँ तक सेंटर तक इस साइड की और सेंटर तक ही इस साइड की बटन पट्टी बना लेनी है। तो यहाँ तक हम इसको बना लेंगे। अब हमने इस बटन पट्टी को बनाना है, तो देखिए ये इस तरह से इसको लेंगे और ये 12 फंदे जो इसके हैं इसको ही हमने बनाना है। उसके बाद हम इसको इसके साथ पीछे के पल्ले के साथ स्टिच कर देंगे। देखिए, इस साइड में भी ये स्लिप कर लेंगे साइड का फंदा और इसे बुन लेंगे। तो दोनों साइड के जो फंदे हैं उनको हम स्लिप करेंगे और बाकी के फंदे बुनेंगे। जब इसको स्टार्ट करेंगे तो दोनों साइड का फंदा जो है वो स्लिप करके लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इस बटन पट्टी को हम यहाँ तक, जो इसका हाफ है सेंटर है, यहाँ तक इसको, ये देखिए यहाँ तक इसको, इसकी लंबाई जो है वो ऐसे साथ साथ में मेजर करके यहाँ तक ले लेंगे और इस बटन पट्टी को भी यहाँ तक हम बना लेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी बटन पट्टी बना ली है, यहाँ पर दोनों साइड में हमने इक्वल इसे बना लिया है इस तरह से। और सेंटर से जब हमारी ये देखिए मेजरमेंट कंप्लीट हो गई है, इस तरह से ये बटन पट्टी आएगी इक्वल बिल्कुल, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने इसे मेजर करके इसकी जो लेंथ है वो बनाई है इसकी लंबाई, उसके बाद हमने इसे यहाँ से ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसको इसके साथ स्टिच करेंगे। तो इसको हम, ये देखिए, इस तरह से सुई के साथ की हेल्प से हम इसे स्टिच करेंगे। तो इसका पहले हम सेंटर लेंगे। तो ये देखिए, ये वाला जो है, ये वाला फंदा इसका सेंटर है, तो यहाँ से हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन हमने इसे सीधी साइड से करना है इस तरह से। ये देखिए, इस साइड की ज्वाइनिंग हम इस साइड से करेंगे और इस साइड को हम इस धागे के साथ इस तरफ से सिलेंगे। तो इसको अब हमने यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है। तो इसको हम, ये देखिए, ऐसे लेंगे। अब हम एक फंदा ये इस तरह से उठाते हुए थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे स्टेप लेते हुए इसको इसके साथ स्टिच कर देंगे। देखिए, ऐसे बिल्कुल हमने इसको छोटे छोटे स्टेप लेते हुए ही स्टिच करना है, ज्यादा बड़े स्टेप नहीं लेंगे।
ताकि ये बिल्कुल नीटली इसके साथ जो है वो स्टिच हो जाए। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से हम इसको यहां तक स्टिच कर लेते हैं और इस साइड को भी ऐसे ही ऊपर की साइड सिलते हुए यहां तक स्टिच कर लेंगे। तो मैं ये आपको कंप्लीट करके आगे इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने इसे स्टिच कर लिया है और ये इसका फाइनल लुक है। देखिए, इस तरह से इसका ये नेक आएगा। तो अब हम इसकी साइड में सभी हमने इसके पार्ट बना लिए हैं, स्लीव्स इसकी अटैच कर लेते हैं और साइड से इसको सिल लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।